साउथ मूवी एक्टर अल्लू अर्जुन से जुड़े तीन दिलचस्प फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले कुछ साल से भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी की तुलना में साउथ मूवी इंडस्ट्री की मूवी को सभी फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि साउथ मूवी इंडस्ट्री की मूवीज की स्टोरी यानी कहानी बहुत अच्छी होती है। अल्लू अर्जुन वर्तमान समय में साउथ मूवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर में से एक है और इस साल जनवरी महीने में रिलीज हुई इनकी मूवी अल्ला वैकुंठ पूरमलू ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की थी। इस मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड लगभग 262 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस पोस्ट के अंदर हम अल्लू अर्जुन से जुड़े तीन दिलचस्प फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक, अल्लू अर्जुन ने पहली बार विजेता मूवी में एक्टिंग की थी। यह बात बहुत से कम लोगों को पता होगी कि साउथ इंडस्ट्री के सबसे एक्टर अल्लू अर्जुन की पहली मूवी विजेता थी और इस मूवी को 23 अक्टूबर 1985 में रिलीज गया था। इस साउथ मूवी में मुख्य भूमिका साउथ के प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी ने निभाई थी और इस मूवी में अल्लू अर्जुन ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था, क्योंकि उस समय इनकी उम्र लगभग 3 थी। यह मूवी बॉलीवुड की मूवी साहेब की तेलुगु रीमेक थी। बॉलीवुड में भी एक्टर को निकनेम दिया जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन को बिग डी, अभिषेक बच्चन को जूनियर बच्चन, शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। उसी प्रकार साउथ मूवी इंडस्ट्री में भी बहुत से एक्टर को उनके फैंस उन्हें निकनेम से बुलाते हैं। इन एक्टर की लिस्ट में अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल है और फैंस अल्लू अर्जुन को बनी निकनेम से बुलाते हैं। अल्लू अर्जुन इस नाम की मूवी में भी काम कर चुके हैं और यह मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। 3, अल्लू अर्जुन ने पहली बार फौजी का किरदार इस मूवी में निभाया था। अल्लू अर्जुन अभी तक बहुत से मूवी में काम किया है। उन्होंने 2018 में आई मूवी ना पेरू सूर्या ना एलू इंडिया में पहली बार फौजी का किरदार निभाया था और इस मूवी में इनकी एक्टिंग को सभी फैंस ने बहुत पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस मूवी को IMDb नामक मूवी रेटिंग वेबसाइट पर 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली हुई है।